बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान तक के दर्शकों को बता दें कि गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की जो पांचवी क्रमांक है वो रायसिंह नगर का आता है। इसमें कांग्रेस ने सोहन नायक जो है पूर्व एमएलए थे, उनके ऊपर जो उम्मीदवार है उन्होंने यहाँ भरोसा जताया है और उनको टिकट दी है। और बात करते हैं कि उनको ये टिकट क्यों और कैसे दी गई। जी, हम मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे राजस्थान प्रभारी रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, इन सबों ने विश्वास व्यक्त करते हुए जो सर्वे में हमारे रायसिंह विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता के सर्वे गया था, उस सर्वे के आधार पर समस्त कार्यकर्ताओं का की भावनाओं को देखते हुए मुझमें पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया। तो देखिए, आपके सामने एक बीजेपी है, कॉमरेड है, क्योंकि वो कहते हैं हम जमीन से जुड़े हुए हैं, तो आपका कैसा रहेगा? मैं उनसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। पानी की जो आंदोलन था उस वक्त, जिस जो कॉमरेड ये कह रहे हैं वो कॉमरेड वहां कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और जो था वो साथ में वो आज बीजेपी में है। जो कॉमरेड वहां हमारे साथ लड़ाई में था वो बीजेपी में है। क्या वो अवसरवादी है? बिल्कुल अवसरवादी है। वो पवन दुग्गल जो हमारे साथ किसान आंदोलन में काम कर रहा था वो आज बीजेपी में है। इसी प्रकार मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता जानती है कौन कितना सेवा करता है, ये जनता अच्छी तरह जानती है। वो कहते हैं ना, ये जनता है सब कुछ जानती है। आप पर गहलोत ने विश्वास, पूरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मेरे कार्यकर्ताओं की भावनाओं में विश्वास जताया। कार्यकर्ताओं ने जो उनकी आशाएं थी उनको पार्टी ने पूरा किया, और जनता का जो सर्वे था उस आधार पे पार्टी ने मुझे टिकट दी। नहीं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी कामरेडों के ऊपर मेहरबान थे, जो भी वो कहते किया ये सब तो बेबुनियादी बातें थी। नहीं, ये किया हमारे ना, ना, ये बेबुनियादी बातें थी। अगर आप इसको, ये जो फेक न्यूज है ना, उस तरह चलता था, ऐसा कुछ नहीं था। कोई समझौता कभी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे मतलब नकारते हैं? बिल्कुल नकारते, कभी समझौते की बात नहीं की हमारी पार्टी। और आगे क्या संभावना रहेगी? बिल्कुल जनता का मन है, राजस्थान की जो कल्याणकारी योजना है उनपे जनता को पूरा भरोसा है, और जिसमें चिरंजीवी योजना जो एक बहुत बड़ा वरदान है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, और इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, चाहे वो बिजली 2000 यूनिट किसानों की बिजली हो, चाहे 200 यूनिट घर की बिजली हो, इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं, गैस सिलेंडर हुआ, इन योजनाओं के कारण जनता चाहती है कि राजस्थान सरकार एक बार पुणे आए, क्योंकि माननीय मोदी जी ने अजमेर में कहा था कि ये जो योजनाएं हैं ये सब फर्जी हैं, इनको मैं बंद करूंगा, और जनता चाहती है कि ये योजनाएं चालू रहे, इसलिए कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये मैं आपको विश्वास देता हूं, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, कार्यकर्ता डानी डानी जाके मेहनत करेंगे, और जनता का भी मन बन चुका है कि वो कांग्रेस को जिताएंगे और इस बार पुनः कांग्रेस सरकार लाएंगे। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कॉमरेड कहते हैं हम पानी लाए हैं हमेशा, तो क्यों कहां विफलता रह गई है? ये पूरा एक डेढ़ महीना पानी नहीं तो आया, कांग्रेस इसमें नाकाम पानी रही। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार लाई थी, इंदिरा गांधी नहर गौंड को जो बनाई थी वो कांग्रेस ने बनाई थी, इसलिए पानी कैसे कह सकते हो आप कॉमरेड लाए हैं? इस पर पहरेदारी की जरूरत नहीं, इस पर पहरेदारी की जरूरत थी। बिल्कुल ऐसा पहरा नहीं है, ये अवसरवादी है। जब इनको पता लगता है नहर खुलने वाली है तब जाके धरना देते हैं, और पानी आते ही कहता मैंने छोड़ा दिया, जब पानी तो पीछे से एक रेगुलेशन सिस्टम है उस हिसाब से चलता है। मैं दरिया आपकी जेब में रखे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका क्या कहना है? हमारे साथ वरिष्ठ हैं, कांग्रेसी हैं जी, वो दरिया अपनी गाड़ी में रखते साहब, वो कोई पानी नहीं लेकर आते। जब नहर छूटने वाले एक्शन साहब से बात करते हैं, कहते देख ले तेरा नाम सबसे ऊपर रखेंगे, तो तू पहले बता देना भाई कितने दिन पानी आ रहा है, हम दरी लेके आ जाएंगे। वो हफ्ता पहले दरी बिछा के बैठ जाते हैं। या तो हमारे जो किसान नहीं, या तो हमारे किसान इतने मतलब कमजोर हैं कि वो उनकी बात मान लेते हैं। किसान काम मानते हैं, किसान उनकी अब मानते ही नहीं है। वो घड़साना वाले टाइम में थोड़ा बहुत माना था, अब तो सब सारा दिन झूठ बोलते हैं वो।
हमारे साथ और भी हैं कांग्रेस से जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी। जी बताइए आप कैसे जीत पाओगे, क्योंकि तीन दो दो सामने हैं, बीजेपी है और कॉमरेड है, तो कैसे जीत पाओगे? दूसरी पार्टियों को जैसे बीजेपी के 10-11 दिन पहले टिकट डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन उनका कहीं भी खड़का नहीं है, लोग म्यूस होके बैठे थे, कांग्रेस की टिकट का वेट कर रहे थे। और आज जैसे ही कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर हुई है, पूरे राजस्थान विधानसभा में दिवाली जैसा माहौल है, तो लोगों में बहुत खुशी है इस बात की। एक ईमानदार कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दे के भेजा है, और अब हमारा सभी का फर्ज है कि हम जिता के और सोन नायक को विधानसभा भेजें। देखिए हमारे साथ जो अभी के अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या कहना जी? हमारे मुख्यमंत्री की इतनी योजना है कि बीजेपी वाले गिनते गिनते ही थक जाएंगे। इतनी योजना है कि वो बस पूछो मत सोन जी को। कॉमरेड की आने की संभावना है? अरे कॉमरेड तो सारा दिन झूठ बोलते हैं यार, सौरा उनका एक झूठ की पांड है, वो उनका काम क्या झूठ बोलो, अफसर को अफसरवादी करो, इधर से ठगी उधर से ठगी दरी बिछाओ, वो हमारे पास काम नहीं है। सच्चा सुथरा हमारे को कांग्रेस पार्टी ने आदमी दिया, इनको जिता के हम विधानसभा में भेजेंगे और 100% पक्का भेजेंगे। तो आप यहाँ राइसनगर से भी हम बात करते हैं, आपको क्या विचार रहेगा? राइसनगर से कांग्रेस पार्टी ने सबसे ईमानदार, योग्य और आमजन के लिए सुलभ उपलब्ध, बिना जी नहीं बोलने वाले, सब आदमी को जी के नाम से पुकारने वाले सोहन जी के लिए सब क्षेत्र के लोग जब से टिकट का इंतजार कर रहे थे, और सोशल मीडिया पर जो चल रहा था कि सोना देवी को मिल गई, कमजोर कैंडिडेट दे दिया, ये कर दिया, इस चीजों से लोग इतने परेशान थे, और आज लोगों के मन में इतनी खुशी है कि पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव किया है, ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र के लिए काम करें, हर आदमी को 24 घंटे उपलब्ध रहे, बिना मीडिएटर के आम आदमी के लिए सुलभ उपलब्ध, ईमानदार निष्पक्ष छवि के व्यक्ति सोन जी जैसे पहले थे वैसे ही एकदम फक्कड़ टूटी फूटी कार, और वो ही अपना लेवल, ना किसी के दूसरे के साथ। सभी का एक ही मत है कि ईमानदारी के ऊपर ही गहलोत जी या के ऊपर जो आला कमान है उन्होंने टिकट दिया है, और सभी का यही है कि हम जीत कर इनको विधानसभा में पहुंचाएंगे।